नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पर। मैं पूनम आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अलीगढ़ में जनसभा की। उन्होंने कहा, पिछली बार जब अलीगढ़ आया था तब अनुरोध किया था कि सपा और कांग्रेस के परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण की फैक्ट्री में अलीगढ़ का ताला लगा दीजिए। आपने ऐसा मजबूत ताला लगाया कि दोनों शहजादों को आज तक इसकी चाबी नहीं मिल रही। पीएम ने कहा, इंडी गठबंधन की नज़र आपकी संपत्ति पर है। नौकरी पेशा वाले लोगों ने अपने बच्चों के भविष्य के लिए जो FD करवाई है, वे लोग उसकी भी जांच कराने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस इसका सर्वे कराएगी, फिर सरकार के नाम पर कब्जा करेगी। ये आपकी संपत्ति को छीनकर बांटने की बात कर रही है। कांग्रेस यहाँ तक जाएगी कि आपके गाँव में पैतृक घर है तो यह लोग उसे दो घर बताकर छीन लेंगे। कांग्रेस के लोग कहेंगे कि आपके पास गांव में तो एक घर पहले से ही है। इनकी यह सोच माओवादियों और कम्युनिस्टों की है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन इसे भारत में लागू करना चाहती है। आपकी संपत्ति पर कांग्रेस अपना पंजा मारना चाहती है, आपका स्त्री धन लूटना चाहती है। माताओं बहनों का मंगलसूत्र अब सलामत नहीं रहेगा, यही कांग्रेस ने कहा है। इन परिवारवादी लोगों ने देश को लूटकर अपना इतना साम्राज्य बना लिया है कि देश को कुछ नहीं दिया है। अब इनकी नज़र देश के लोगों की संपत्ति पर है। जनता के धन को लूटना, देश को लूटना ही कांग्रेस अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझती है। अलीगढ़ लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी सतीश गौतम और हाथरस से अनुप वाल्मीकि के समर्थन में पीएम मोदी ने 42 मिनट तक सभा को संबोधित किया। मोदी ने मंच से राधे राधे से संबोधन की शुरुआत की और बोलने के लिए जनता से इजाजत मांगी। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।